ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 17 नवंबर 2018 शनिवार का दिन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आंवला नवमी का महापर्व इस दिन मनाया जाएगा। आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन किया जाता है। आंवले वृक्ष की पूजा करने से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिशाशूल जो कि पूर्व दिशा में रहेगा, इसलिए इस दिन पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायक माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल भी कुंभ राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, धनु, मकर और मीन, ये 7 राशियां लकी रहने वाली है। ये विशेष रूप से भाग्य के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाली है। अब हम आपको 12 राशि का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपने हाल ही में जो काम शुरू किया है उसके लिए अपनी व्यवहारिक सोच आपको जो है काम आने वाली है। पैसों की हालात आपकी मजबूत होगी। ऑफिस कार्यक्षेत्र में आपकी सम्मान या इज्जत बढ़ेगी और फायदा भी होगा। कुछ लोग आपके लिए मददगार होंगे। किसी चलती समस्या का सकारात्मक और संतोषजनक समाधान भी आपको मिल जाएगा। आप उत्सुक रहेंगे नए काम को करने के प्रति। नए कपड़ों की, नया सामान खरीदारी का योग बन रहा है। नौकरी में खुद के प्रदर्शन पर आपको ध्यान देना होगा। पैसों की काम से छोटी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है और उपाय के रूप में यदि गुड़ खा करके आप घर से निकलेंगे तो आपके लिए दिन अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। बेरोजगार लोग नौकरी की तलाश की दिशा बदल सकते हैं। थोड़ा समय आपके अनुकूल होगा। आपके साथ आज कुछ सुखद घटनाएं भी घटित होगी। रोजमर्रा के कामों से फायदा होगा। कोई शुभ चिंतक जो सलाह दे उसे आप मान ले। परिवार के साथ अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपका बन सकता है। प्रेमी के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। खुद को नियंत्रण में रखें। अविवाहित लोग प्रेम में थोड़ा संयम रखें। परिवार के किसी एक सदस्य के बारे में आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। अपना व्यवहार सकारात्मक रखें। बस अपने काम पर ही ध्यान दें। उपाय के रूप में किसी भी छोटे बच्चे को यदि आप कॉपी या पेंसिल का दान करेंगे तो आपका दिन अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी धंधे के मामलों में कुछ बदलाव होने का योग बन रहा है और इसमें आपका फायदा भी होगा। करियर में कुछ विशेष पदोन्नति या फिर स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। अपने मन की बातें किसी से शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, इसमें आपको ही फायदा होगा। परिवार की कोई अनबन यदि अभी तक चल रही है वह समाप्त होने वाली है। परिवार के बाहर भी आपको कुछ लोगों के साथ अपने मामले सुलझाने पड़ सकते हैं। दिन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। आपके आसपास क्या चल रहा है इस पर निगाह रखें। आज आपको विचारों और मन में बनी धारणाओं से बाहर निकलने की जरूरत है। शांति से अपने बारे में विचार कर ले और उपाय के रूप में यदि दूध का दान किसी भी मंदिर में करेंगे तो आपका दिन अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। जोखिम भरे कामों में किस्मत का साथ मिलेगा। आज आप थोड़े सफल रहेंगे। नया मौका मिले तो उसे जाने न दे। कुछ अच्छी स्थिति भी आपके साथ बन सकती है। आत्मविश्वास रखें, लेकिन विनम्रता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। ज्यादातर समस्याओं का समाधान जल्द ही हो जाएगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। आसपास की जगहों पर जाने का योग बन रहा है। आपका पैसा कहीं यदि रुका हुआ है तो वह भी आपको मिलने वाला है। ज्यादातर काम आपके समय पर पूरे हो जाएंगे। कोई बड़ा फैसला भी आपको लेना पड़ सकता है जो कि कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा। अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए, फायदा आपको मिलेगा। पैसों के मामलों में दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। संतान और परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। फायदे का योग आपके लिए बन रहा है। उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाएंगे तो आपका दिन अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। नए निवेश के लिए सितारों का साथ आपको मिल सकता है। दिन आपके लिए शुभ है। पैसों के संबंध में अच्छी खबर आपको मिलने वाली है।
इस बारे में किसी से चर्चा न करें। अपनी क्षमताओं पर आपको भरोसा बढ़ने वाला है। दृढ़ निश्चय और आपके साथ मौजूद ऊर्जा के दम पर आप अपने महत्वपूर्ण मामलों को आसानी से निपटा सकते हैं। कोई मौका न चूके। परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे। आपके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। आपको काम करने के कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे। कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। एक गुलाब का फूल यदि आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे। आप में आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। किसी कार्यक्रम या घटना को लेकर के आप उत्साहित रहेंगे। आपका आत्मविश्वास पहले से और अधिक बढ़ जाएगा। धैर्य, लगन और ईमानदारी की जरूरत है। थोड़ा संयमित रहे तो दिन आपका अच्छे से व्यतीत होगा। कोशिश करेंगे तो कठिन काम भी आसानी से निपट जाएंगे। कुछ नए और रोचक अवसर आपको मिलने वाले हैं। दूसरों से मुलाकात में आपको नई बातें समझने का अवसर प्राप्त होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दोस्तों और भाइयों के सहयोग से सोचे हुए सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे। कई जरूरी कामों में बदलाव आपको करने पड़ सकते हैं। किस्मत का साथ आपको मिलेगा। निवेश करने या किसी को आर्थिक मदद देने से पहले सलाह अवश्य कर ले। और उपाय के रूप में यदि आप हरी घास या हरी सब्जी गौ माता को गाय को खिलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। घर परिवार और प्रेमी जनों को लेकर के आप सक्रिय रहेंगे। अपने काम पर बारीकी से ध्यान भी देंगे। किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही कोई जरूरी काम करें। गुप्त रूप से कुछ जरूरी कामकाज करने में आप सफल रहेंगे। यात्रा भी होगी। आपको ज्यादा ही भावुक हो सकते हैं। जो काम अटक रहे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। समय ज्यादा मेहनत करने का है। साथ के कुछ लोगों से समय पर आपको मदद भी मिलेगी। आपको हर काम में सावधानी रखना होगा। पीपल के पेड़ में यदि आप हल्दी मिला करके पानी डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अचानक धन संबंधित बड़ा फायदा आपको होगा। काम करने की इच्छा नहीं है तो भी काम में लग जाएं। परिस्थितियां आपके पक्ष में होने वाली है। आत्मविश्वास के दम पर सभी कामों में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। हर चुनौतियों से आप निपट भी लेंगे। दोस्तों से कोई अच्छी खबर आज आपको मिलने वाली है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। किसी खास मामले में आपकी सोच बदल सकती है। परिवार को आपकी बहुत जरूरत रहेगी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पुरानी प्लानिंग से ही आपको धन लाभ होगा। और उपाय के रूप में यदि आज आप अपने घर के मंदिर में पीले रंग की मिठाई चढ़ा करके प्रसाद बांट करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपके लिए दिन अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। बिजनेस और कामकाज का विस्तार करने के लिए आप कुछ अपनी योजनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ फैसले आपको तरक्की और फायदा देंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। दिन अच्छा रहेगा। कोई नौकरी भी आपको अच्छी मिल सकती है। बॉस आपके काम से खुश रहेंगे। आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जो पहले शायद ही आपने कभी संभाली हो। समझदारी से काम करते रहे। बहुत से मामले आपके पक्ष में आ जाएंगे। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आगे चल करके आपको ही फायदा होगा। आप अपनी बात बहुत साफ ढंग से रखने का प्रयास करेंगे। दूसरों की बात भी अच्छे से समझने की कोशिश करें। परिचित लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप समस्याओं को सुलझाने में भी सफल रहेंगे। सुख मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी विजय होगी। मन आपका खुश रहेगा। आर्थिक परेशानी आपकी समाप्त होगी। उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में चने की दाल चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। नए अनुभव आपको हो सकते हैं। साथ ही आपका ध्यान दूर स्थान और वहां पर रहने वाले लोगों पर रहेगा। वहां से जुड़ी किसी कामकाज के बारे में आप विचार कर सकते हैं। अपने निवास स्थान से दूर या विदेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों से आप अचानक दोस्ती कर सकते हैं। दोस्त और प्रेमी आपके लिए बहुत हद तक मददगार साबित होंगे। आपका काम धंधा भी अच्छा चलेगा। कोई नई और अच्छी आदत आपकी शुरू हो सकती है। जो बदलाव हो रहा है उसे स्वीकार आपको करना होगा। अचानक यात्रा का योग बन रहा है। घर में माहौल खुशनुमा रहेगा। आपका टाइम भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी बड़े मामले पर समझौता और सहयोग करने के लिए हर समय आप तैयार रहे। शुरू किए गए ज्यादातर काम आपके पूरे हो सकते हैं। उपाय के रूप में हल्दी यदि आप नहाने के पानी में डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर रहेगी। एक बार आप काम शुरू कर देंगे तो सारी चीजें आपके नियंत्रण में आ जाएगी। कार्य क्षेत्र में आर्थिक लाभ होगा। पुरस्कार और सम्मान भी आपको मिल सकता है। पैसों के मामलों में आपको दूसरों की सलाह पर चलने के बजाय अपने मन की बात सुनना चाहिए। कोई दोस्त आपसे पैसा भी मांग सकता है। परिवार वालों और दूर के रिश्तेदारों से
फोन पर लंबी बातचीत होने का योग है, उसे नियंत्रण में करें। आपका नजदीकी कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझेगा और आपकी मदद भी करेगा। और उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में यदि आप कच्चा दूध उसमें काले तिल डाल करके चढ़ाएंगे तो आपके लिए दिन अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे होने का योग है, धन लाभ होगा, आपको जिस बात या समाचार का इंतजार है वह मिलने वाला है। आप में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, जोश रहेगा, आपसे मिलकर के कुछ लोग प्रभावित भी होंगे। रिश्तों के क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश होगी, जीवन साथी या प्रेमी के साथ मामले सुलझेंगे, यह काम बहुत आसानी से संपन्न हो जाएगा। बिजनेस करते हैं तो आप सफल भी हो जाएंगे। नए निवेश के बारे में विचार होगा, नए विचारों और नए तरीकों से आपकी उन्नति होगी। पुरानी समस्याओं का समाधान भी आप निकाल लेंगे। दुश्मनों पर आपकी विजय प्राप्त होगी। ऑफिस में मेहनत भी ज्यादा रहेगी। नौकरी में प्रगति होगी। संतान से सुख और आर्थिक सहायता आपको मिल सकती है। विवाह का प्रस्ताव भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय के रूप में किसी भी देवी जी के मंदिर में यदि आप पान और लौंग इलायची रख करके चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करते रहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।